Hello students, today we are going to learn informal letter. Okay, how to write informal letter? See, informal letters are written to people who we know well or those who are close to us. To whom we write informal letter? That people that close to us, यानी कि हमारे बहुत करीब होते हैं उसको हम लोग लेटर लिखते हैं. ओके, दिस जनरली इंक्लूड फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स. किस किस को हम लोग लेटर्स लिखते हैं? फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को. यू कैन स्टार्ट एन इनफॉर्मल लेटर बाय आस्किंग द रिसिपिएंट हाउ दे आर. हाउ टू स्टार्ट लेटर? फर्स्ट वी हैव टू आस्क देम अबाउट देयर हेल्थ, कि हमें उन लोगों की हेल्थ के बारे में पूछना है पहले. ओके, यू मे एड्रेस देम एज डियर इन द सैल्यूएशन एंड एट फर्स्ट वी हैव टू कॉल देम डियर. ओके, स्टडी दिस सैम्पल इनफॉर्मल लेटर केयरफुली. ओके, हियर इज वन इनफॉर्मल लेटर, देन वी हैव टू स्टडी. ओके, सी वॉट इज रिटन हियर. फर्स्ट 1, 2, 3 आशा अपार्टमेंट्स, इंडिया, इंदिरा विहार, दिल्ली. दिस इज पिन कोड नंबर. ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज पिन कोड नंबर. ओके, फर्स्ट यू हैव टू राइट एड्रेस, योर एड्रेस, देन योर सिटी एंड इट्स पिन कोड नंबर. देन यू हैव टू राइट हियर डेट. ओके, ऑन विच डे यू आर राइटिंग द लेटर, दैट यू हैव टू राइट डेट हियर. ओके, 20 June 2018 एंड देन यू हैव टू राइट डियर एंड वॉट एवर द नेम इज. ओके, इतना समझ में आया? पहले एड्रेस लिखना है, फिर आप कौन सी डेट को लिख रहे हो वो लिखना है, फिर आपको डियर करके जिसको भी लिख रहे हो अपने फ्रेंड को या फैमिली मेम्बर को उसका नेम लिखना है. ओके, देन यू हैव टू स्टार्ट बाय आस्किंग अबाउट देयर हेल्थ. पहले तो उन लोगों की हेल्थ पूछनी है. ओके, सो हाउ विल यू आस्क? हाउ आर यू? आई हैवंट रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम यू इन अ लॉन्ग टाइम. पहले तो हेल्थ के बारे में पूछना है, फिर क्या कहना है? आई हैवंट रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम यू इन अ लॉन्ग टाइम, कि मैंने बहुत लंबे समय से आपका लेटर रिसीव नहीं किया है. माय समर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फॉर मी एज वेल. ओके, फिर क्या कह रहे हैं? कि मेरे समर डेज स्टार्ट हो गए हैं, हॉलीडेज स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि वैकेशन हो चुका है. ओके, इट इज़ वेरी हॉट हियर इन न्यू दिल्ली. वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है. ओके, और वहाँ पर बहुत गर्मी लग रही है. हाउ's द वेदर इन कुतक? फिर वो पूछ रहा है कि कुतक में कैसा वेदर है. ओके, एज यू नो एवरी समर हॉलीडे आई लर्न समथिंग न्यू, कि आप जानते हो कि एवरी समर हॉलीडे, यानी कि सभी समर के डेज में आई लर्न समथिंग न्यू, कि मैं कुछ नया सीखता हूँ. दिस ईयर आई हैव डिसाइडेड टू टेक स्विमिंग लेसन्स एंड दिस ईयर, यानी कि इस साल वो क्या सीखने वाला है? स्विमिंग लेसन्स, यानी कि तैरना सीखने वाला है. स्विमिंग इज द परफेक्ट वे टू बीट द हीट. स्विमिंग इज द परफेक्ट वे टू बीट द हीट. बीट यानी हराना, तो और हीट यानी गर्मी. गर्मी को हराने के लिए स्विमिंग बेस्ट ऑप्शन है, ऐसा बोल रहा है. ठीक है, आई एम रियली एक्साइटेड, कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. वॉट प्लान्स डू यू हैव फॉर योर हॉलीडेज? कि आपका क्या प्लान है हॉलीडेज में? वाई नॉट यू मेक अ ट्रिप टू दिल्ली? तो आप लोग दिल्ली ट्रिप क्यों नहीं करते, दिल्ली क्यों नहीं आते, ऐसा पूछ रहे हैं. राइट टू मी सून, यानी कि मुझे जल्दी आंसर लिखना, कि आप भी मुझे जल्दी लेटर लिखना, ऐसा कह रहे हैं. ओके, फिर यहाँ पर क्या लिखना है? योर्स लविंगली. यहाँ पर आपको
योर्स लविंगली लिखना है और अपना नेम लिखना है, यहाँ पर अपना खुद का नेम लिखना है. ओके, नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू राइट एड्रेस. फर्स्ट यू हैव टू राइट लेटर, फर्स्ट यू हैव टू राइट एड्रेस, देन डेट, देन यू हैव टू राइट डियर एंड योर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स नेम, देन यू हैव टू आस्क अबाउट हेल्थ, देन यू हैव टू राइट वॉट यू वॉन्ट टू राइट. ओके, देन हियर यू हैव टू राइट योर्स लविंगली एंड हियर योर नेम. अंडरस्टैंड, नाउ दिस लेटर यू हैव टू राइट इन योर इंग्लिश ग्रामर नोटबुक.